हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम बनाने जा रहे हैं मकर संक्रांति स्पेशल तिल गुड़ के लड्डू। यह खाने में बेहद ही स्वादिष्ट और बहुत ही पौष्टिक होते हैं। इसकी इजी सी रेसिपी से आज हम ये लड्डू बनाने जा रहे हैं, तो बने रहिएगा हमारे साथ। चलिए शुरू करते हैं बनाना। सबसे पहले हम एक कढ़ाई ले लेते हैं। इसमें हम एक कप तिल डाल देते हैं, सफ़ेद तिल लेंगे और इसे मीडियम फ्लेम पे ही ड्राई रोस्ट कर लेंगे। इसे धीमे धीमे आंच पे हमें भूनना है और देखिए इतना गोल्डन ब्राउन होने तक इसे भून लेना है। अब हम इन भुने हुए तिलों को एक प्लेट में बाहर निकाल लेते हैं और इन्हें ठंडा करने के लिए थोड़ी देर के लिए रख देते हैं। अब हम एक ग्राइंडर ले लेते हैं, उसमें हम 2 चम्मच काजू, 2 ही चम्मच बादाम, 2 चम्मच पिस्ता को डालकर अच्छे से ग्राइंड कर लेते हैं। हमें इसका एक दरदरा सा ही पाउडर बनाना है। देखिए इसमें मोटे मोटे पीसेस भी हैं, इतना दरदरा ही हमें इसे पीसना है। अब हम इस मिश्रण को एक बाउल में निकाल लेते हैं और ग्राइंडर में हम जो हमने तिल ठंडे करने के लिए रखे थे वो डाल के उसे पीस लेते हैं। अब हम इस पाउडर को इसी बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं जिसमें हमने ड्राई फ्रूट का पाउडर रखा था। अब एक ग्राइंडर में हम ये गुड़ ले लेते हैं। एक बाउल मैंने गुड़ लिया है। 2 चम्मच नारियल का बुरादा हम इसमें डाल देते हैं और 1 ही बड़ा चम्मच इसमें हम मलाई डाल देते हैं। अब हम इन सब चीज़ों को ग्राइंड कर लेते हैं और एक पेस्ट सा बना लेते हैं। देखिए एक इतना गाढ़ा सा पेस्ट बन गया है। अब हम इसमें थोड़ा सा जो मिक्सचर हमने बना के रखा हुआ था तिल और ड्राई फ्रूट का वो डाल देते हैं और इन सभी को मिलाकर ग्राइंड कर लेते हैं। देखिए हमारा मिक्सचर रेडी हो गया है लड्डू के लिए। अब हम इस मिक्सचर को एक बाउल में निकाल लेते हैं। अब हम इस मिक्सचर को एक बारी हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। अब हम इसमें थोड़ा सा इलायची का पाउडर डाल देते हैं और हाथ से इसे मिक्स कर लेते हैं। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसे लड्डू की शेप देना शुरू करते हैं। देखिए हमारा मिक्सचर कितना अच्छे से तैयार हो गया है, ये लड्डू की शेप ले रहा है अच्छे से। ऐसे ही हम सारे मिक्सचर के लड्डू की शेप लेके रेडी कर लेते हैं। आई होप आप सभी को ये रेसिपी मेरी अच्छी लगी होगी। अगर आप सभी को मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। प्लीज़ अपने कमेंट में बताना कि आपको इस रेसिपी कैसी लगी है। थैंक यू।